हेलो व्यूअर्स, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हूँ हमारे एक नया एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में मैंने दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को मिस्टर बिन का स्केच ड्राइंग। तो किस तरह से मिस्टर बिन का ड्राइंग किया जाता है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आप में से तो सारे लोगों को डेफिनेटली पता ही होगा ये मिस्टर बिन कौन है। बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा, मैं तो हर एपिसोड देखते था। चलते इसकी स्केच ड्राइंग स्टार्ट करते, पूरा देखते रहना फ्रेंड्स। आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन होने के लिए कहूंगा। और आप अगर मेरे और भी वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके पहले वीडियो में मैंने दिखाया था विराट कोहली का ये वाला ड्राइंग, ये आप अगर नहीं देखे हो तो अभी जाने के लिए जाके देखने के लिए कहूंगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं किस तरह से पहले मैं आँख पे या जो डार्क एरिया है उसमें मैंने चारकोल का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं ग्रेफाइट का ये मतलब मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह से ये सब कर रहा हूँ आपको आप देखिए। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए तो आपका इम्प्रूव होगा ज़रूर से। और मैं जब उसका हेयर करूँगा, हेयर करने के लिए देख सकते हो ये डार्क एरिया है इसलिए चारकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चारकोल का इस तरह से पहले करिए, हेयर में अगर प्रॉब्लम है तो इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो जब पेंसिल को शार्प करते हो उसके बाद जो चारकोल का पाउडर निकल जाता है उसको इधर पर देख के इस तरह से कर दीजिए तो ये बहुत डार्क हो जाएगा इस तरह से, जैसे कि देख सकते हो आप लोग। इस तरह से हेयर में यूज़ कर सकते हो, मेरा हार्ड ड्राइंग में देख सकते हो इस तरह से मैंने किया है। तो इस तरह से मैं ये ड्राइंग को कंप्लीट कर लेता हूँ और पूरा देखते रहिए अभी। जैसे कि अब मैंने पहले ही बता चुका था डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन हो जाइए। और मेरा इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दीजिए, नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा सारी चीज़ का। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। और आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, आपकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरत है आप लोगों का शेयर, एक एक शेयर मुझे बहुत हेल्प मिलता है। और प्लीज़ नीचे कॉमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा ये वीडियो। अगर तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना था, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नया कमेंट के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए।